हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 72। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपका आने वाला एग्जाम लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड बंदी रक्षक पुलिस, उसके अलावा जितने भी एग्जाम है यूके TSSC के, उन सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आज का पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का नेतृत्व गरम दलीय विचारधारा के हाथों में किस वर्ष चला गया? तो ये गया था गाइज 1919 में, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। देखिए, बात करें कुमाऊं परिषद की, ठीक है, कुमाऊं परिषद की हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1916 में। कब हुई थी? सितंबर 1916 में। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? उत्तराखंड के राजनीतिक, सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी प्रश्नों का हल ढूंढना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो देखिए, कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था गाइज, ये हुआ था सितंबर 1917 में। किस स्थान पर हुआ था? तो याद रखेंगे, अल्मोड़ा में। कहाँ पर हुआ था गाइज? ये अल्मोड़ा में हुआ था। और इसके अध्यक्ष की हम लोग बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे डिप्टी कलेक्टर जयदत्त जोशी। कौन थे गाइज? जयदत्त जोशी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? देखिए, कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था गाइज, ये हुआ था दिसंबर 1918 में। अगर फुल डेट की हम लोग बात करें तो 24 से 25 दिसंबर 1918 को। किस स्थान पर हुआ था गाइज? ये हल्द्वानी में। कहाँ पर हुआ था? हल्द्वानी में। और तारादत्त, ठीक है, तारादत्त गैरोला जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तारादत्त गैरोला ने, देखिए, बेगार से संबंधित मुक्ति और जंगलात के अधिकार जनता को लौटाने संबंधी जो है इसमें प्रस्ताव एक रखा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कब हुआ? तो देखिए, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन हुआ था गाइज, ये हुआ था अक्टूबर 1919 में, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। ये हुआ था गाइज कोटद्वार में। कहाँ पर हुआ था? ये कोटद्वार में हुआ था। और उसके अध्यक्ष थे राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी, ठीक है, राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी। बात करें, देखिए, इसमें स्वागत अध्यक्ष थे। पूछ सकता है कि स्वागत अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम भी आपको याद होना चाहिए, तारादत्त गैरोला जी, ठीक है, तारादत्त गैरोला जी जो है इसके स्वागत अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्व केदार नामक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए, बिल्व केदार नामक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जो स्थित है गाइज, ये स्थित है श्रीनगर। कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर। बिल्व केदार श्रीनगर से, ठीक है, याद रखेंगे बिल्व केदार, ठीक है, बिल्व केदार के जो श्रीनगर है इससे 6 मील के अंतर पर है। अलकनंदा नदी के बाएं, ठीक है, बाएं तट पर जो है ये विद्वान है। बिल्व केदार को सिप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है, बिल्व केदार को सिप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर प्राचीन शिवलिंग भी स्थापित है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के आदि निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, उत्तराखंड के जो आदि निवासी हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे, किरात नाम से। किस नाम से उनको जाना जाता है गाइस? तो उनको जाना जाता है किरात नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गढ़ गीता संग्राम या गढ़ी का नाटक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मोलाराम से। किन से संबंधित है? मोलाराम से। इस नाटक में मोलाराम ने, देखिए, प्रद्युम्न शाह के, याद रखें किसके? प्रद्युम्न शाह के, ठीक है, प्रद्युम्न शाह के भाई जो था कौन? पराक्रम शाह, ठीक है, पराक्रम शाह की काली करतूतों का जो है वो पर्दाफाश किया है। पराक्रम शाह, देखिए, एक बिलासी, दुराचारी और एक चरित्रहीन राजकुमार था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में चतुर्थ विधानसभा चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो राज्य में, देखिए, चतुर्थ विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुए थे गाइज, ये हुए थे 15 फरवरी 2017 को, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, कमेंट के माध्यम से बताइए, जो इस बार पंचम विधानसभा चुनाव हुए थे वो कब संपन्न हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, परमार वंश की राजधानी का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, परमार वंश की जो राजधानी का सही क्रम है, तो पहले आती है, देखिए, चांदपुरगढ़, ठीक है, उसके बाद आती है देवलगढ़ के बाद कौन सी आती है? श्रीनगर। तो ऑप्शन सी जो है हमारा इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सुधर शाह ने जो अपनी राजधानी श्रीनगर से, ठीक है, श्रीनगर से जो टिहरी स्थानांतरित की थी वो 1815 में की थी। इस पॉइंट को जरूर आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुंजापुरी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो राज्य में कुंजापुरी देवी मंदिर जो स्थित है गाइज, ये स्थित है नरेंद्र नगर टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चर्मवाद यंत्र है? तो देखिए, निम्नलिखित में से चर्मवाद यंत्र कौन सा हो जाएगा इसमें? तो धतीमा। कौन सा हो जाएगा गाइज? धतीमा। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं का त्यौहार खत डूबा कब मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है 17 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। तो देखिए खतडुबा को गायों का त्यौहार, या इसको गेत त्यौहार, ठीक है, इस तरह से भी आ सकता है, गेत त्यौहार भी इसको कहते हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 15 अगस्त को किस जिले में लोक पर्व त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए 15 अगस्त को लोक पर्व के त्यौहार में जो मनाया जाता है गाइस, ये मनाया जाता है गमसाली में। कहाँ पर मनाया जाता है? गमसाली चमोली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोस्टामानु मेला किस जिले में लगता है? तो देखिए मोस्टामानु मेला जो लगता है, ये लगता है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर लगता है? पिथौरागढ़ में। और क्वेश्चन पूछे कि मोस्टामानु, ठीक है, मोस्टामानु मंदिर कहाँ है? तो मोस्टामानु मंदिर भी पिथौरागढ़ में ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गबला पूजा उत्सव प्रतिवर्ष किस घाटी में मनाया जाता है? तो देखिए गबला पूजा उत्सव जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दारमा घाटी, चौदास घाटी, ब्यास घाटी, ठीक है, उपरोक्त सभी में मनाया जाता है। और ये सभी घाटी कहाँ की हैं गाइस? पिथौरागढ़ की हैं। कहाँ की घाटियाँ सभी ये? पिथौरागढ़ की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का पुरुष साक्षरता दर में कौन सा स्थान है? तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का पुरुष साक्षरता दर में जो स्थान है गाइस, ये है 13वां। कौन सा है? 13वां, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बजहर त्यौहार मनाते हैं, तो देखिए बजहर त्यौहार जो मनाते हैं गाइस, ये मनाते हैं थारू। कौन मनाते हैं? थारू। और ये राज्य और कुमाऊं क्षेत्र की इसका जो है सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम ग्लोगी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कब हुआ? तो राज्य की प्रथम ग्लोगी जल विद्युत परियोजना का जो निर्माण हुआ था, ये हुआ था 1907 से 1912। और ये कहाँ पर स्थित है? भट्टा फॉल, ठीक है। भट्टा फॉल कहाँ पर है? मसूरी में। कहाँ पर गाइस? ये मसूरी में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में पवन ऊर्जा पर आधारित, ठीक है, 2.40 मेगावाट की प्रथम विद्युत परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है गाइस, कहाँ पर प्रस्तावित है? टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, और आज का अंतिम क्वेश्चन, जायका परियोजना किससे संबंधित है? तो देखिए जायका परियोजना से संबंधित है गाइस, वन पंचायतों के माध्यम से वन संरक्षण, वन पंचायतों के माध्यम से चारा का विकास, वन पंचायत के माध्यम से ग्रामीण आजीविका, यानी इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।